चलते 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 नाज़रीन आदाब, गुलिस्तान न्यूज़ आपका वेलकम करता है और मैं हूं इरफान फाजिल। मेरे साथ सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी है। नाज़रीन, चलते चलते प्रोग्राम आप देखते हैं और पसंद भी करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज भी चलते चलते हमारा कैमरा फोकस है, जी हाँ, मुगल गार्डन्स की ओर। मुगल गार्डन्स तो खुल चुके हैं, सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस थी कि पहले मुगल गार्डन्स अगर बात करें, इनफैक्ट सैटरडे संडे जो है वो बंद रहेगा, अब सैटरडे संडे भी गार्डन्स खुल रहे हैं, लोकल्स के साथ साथ टूरिस्ट जो है सैर व तफरी करने के लिए आ रहे हैं। मगर इस बीच जो सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है विद प्रॉपर प्रिकॉशंस एंड एसओपीज, जिसमें मेन गेट से लेकर यानी एंट्री पॉइंट से लेकर एग्जिट पॉइंट तक जो एसओपीज है किस तरह के अमलाए जा रहे हैं, और आज हमारा कैमरा इसी मुद्दे पर यहाँ पर फोकस हुआ है। चलते चलते हम बात करेंगे क्या रैंडम टैक्सी टेस्टेस हो रहे हैं, इस बीच अगर बात करें जो वैक्सीनेशन रिपोर्ट है टूरिस्ट को लेकर क्या वो पूछी जा रही है, और सिचुएशनली गार्डन में किस तरीके से एसओपीज पर मुकम्मल तौर पर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा एक साइड से मौसम को लेकर बात करें तो गर्मी है, सैर व तफरी के लिए लोग जो है पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग और साथ साथ मुगल गार्डन, डल्ले का रुख भी करने लगे हैं। मगर आइए आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने, खासतौर पर एलजी इंतजामिया ने जो ग्राउंड पर इनिशिएटिव्स लिए हैं, स्पेशली एसओपीज को लेकर, वैक्सीनेशन को या रैंडम टेस्टिंग को, आरटीपीसीआर टेस्ट्स की जो रिपोर्ट है किस तरीके से खासतौर पर जी हाँ पूछी जा रही है, और हेल्थ महकमा जो है वो इन गार्डन्स में मौजूद है। आइए चलते हैं इसी गार्डन की ओर, जानते हैं इसी सेगमेंट के बारे में सूरत हाल। देखते रहिए प्रोग्राम चलते चलते गुलिस्तान न्यूज पर। चलते चलते तो चलिए, सरकार के डिसीजंस और मुगल का बागात जो है अब खोल दिए गए हैं, मगर एसओपीज को लेकर बात करें तो मुकम्मल तौर पर अमलाया भी जा रहा है। जबकि इस वक्त हम मुगल गार्डन में मौजूद है, हमारे साथ एक डॉक्टर साहब है जो कि गेट पे ही जी हाँ टेस्ट भी कर रहे हैं और कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुलिस्तान न्यूज़ में आपका वेलकम। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मुगल बागात तो खुल गए, गेट से लेकर क्या प्रोसीजर अभी शुरू किए गए हैं? प्रोसीजर तो पुराना ही है कि एसओपी फॉलो करने हैं, डिस्टेंस रखने हैं, मास्क लगानी है, और सबसे क्योंकि जो सैनिटाइज़र है वो इस्तेमाल करना है साथ साथ, तो ये तो मतलब जो पुराने वही फॉलो करना है। लोकल्स के साथ साथ टूरिस्ट जो आ रहे हैं, सर आपसे जानना चाहेंगे लोकल्स का क्या प्रोसीजर है, टूरिस्ट का क्या प्रोसीजर है? प्रोसीजर तो सर सेम ही है, जो लोकल्स का प्रोसीजर है वो टूरिस्ट का भी है, कि उनको सैम्पलिंग करनी है कि जिनका मतलब कोविड वैक्सीनेशन हुई है उनको हम छोड़ते हैं, आरटीपीसीआर जिनका हुआ है उनको दिस इज़ वैलिड फॉर 48 आवर्स, तो जिनका ये नहीं उनको फिर कोविड टेस्ट होता है। सर, हाउ पर्सनली यू बिलीव द पीपल आर रियली कोऑपरेटिंग विद यू, स्पेशली लोकल एंड टूरिस्ट जो है, आपको लग रहा है कि मुकम्मल तौर पर इस बारी कोविड को मद्देनजर रखते हुए कोऑपरेशन खासतौर पर हेल्थ महकमे सर आपके साथ बराबर है? जी, कोऑपरेशन तो बराबर है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोऑपरेशन लोकल भी कर रहे हैं, टूरिस्ट भी कर रहे हैं, तो वी आर हैप्पी। चलिए सर, अभी जो टेस्ट आप कर रहे हैं यहाँ पे, जो अभी आप रैंडम टेस्ट कर रहे हैं, इसकी रिपोर्ट भी आप साथ साथ ही दे रहे हैं तभी इनको एंट्री मिलती है गार्डन में? जी, विद इन 5 मिनट्स या 10 मिनट्स इनमें रिपोर्ट निकलता है, तो उनको इसके बाद इनको मतलब एंट्री हो जाती है। कितने टूरिस्ट और कितने लोकल्स दिन में आते हैं जिनका आप टेस्ट करते हैं? सर, दिन में तो 250-300 टेस्ट होते हैं यहाँ पर, तो बाकी जिनको वैक्सीनेशन की होती है वो तो दिखाते हैं सर्टिफिकेट, तो उनको फिर छोड़ते हैं। व्हाट इज़ योर मैसेज फॉर जनरल पब्लिक जो अभी गार्डन्स में आ रहे हैं या टूरिस्ट आ रहे हैं, व्हाट इज़ योर मैसेज? आवर मैसेज फ्रॉम आवर हेल्थ डिपार्टमेंट कि बी कोऑपरेटिव, और कि वैक्सीनेशन कराए और एसओपीज फॉलो करें। चलते चलते आपका नाम? मंदीप सोनी। मंदीप जी कहाँ से आई? वॉशिंगटन डीसी। ओह फैंटास्टिक, यू आर फ्रॉम अमेरिका। वेलकम टू द जम्मू एंड कश्मीर, स्पेशली कश्मीर। हाउ आर यू फीलिंग हियर? वेरी गुड, वेरी गुड, यस। सो वी बिलीव दैट द कोविड-19 पेंडेमिक इज रियली डिजास्टर, सो हाउ पर्सनली यू बिलीव नाउअडेज वी आर इन द बेटर ऑर्डर एंड वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस? Well, we have to be cautious in two ways. Get ourselves vaccinated when we are out in the public, wear the mask, and be mindful of keeping a social distance. You have seen very tough time in America. So you believe that India is at least now the better order, like, and especially in Jammu and Kashmir, the cases are getting down and people are really, you know, cooperating with the mask and social distancing.
Well, there is awareness and people are wearing. It is very pleasantly good to see that people are, you know, they're checking the vaccine card to make sure that people who are walking the grounds are fully vaccinated. So definitely a good step in the way. And if you are not vaccinated, please do so for the public. What do you personally like, especially from the entry point to exit point? You believe that all the SOP guidelines are very important and there is a counter for vaccination and the random testing is going on from the health department? It's a good step because they are taking full precautions to make sure that people who are visiting the grounds are actually vaccinated. So, you know, they're being careful about that. You believe the people are cooperating with them, like with the health department, they are going there and personally doing the random testing and they are happy with the vaccination part? Absolutely. Yes. So. All right. So what about the garden? Like, you believe that all SOPs are properly followed and people are enjoying this atmosphere? Absolutely. There are a few people that are not wearing masks, but it will be nice if they do. So how about the weather and how about the Kashmir? You're feeling better? Yes, it is definitely very nice. A little bit humid and warm, but definitely nice. So what is your message for a general public and the tourist if you are approaching this garden? What sort of important precautions they have to take? Well, just be careful, wear a mask, keep the social distance and hand sanitize your hands. So we have a beautiful friend here, जो कि बहुत ही खूबसूरत मौसम में चिलचिल हो रही है. इनका नाम पूछेंगे. What's your name? My name is लक्ष्मी प्रिया. लक्ष्मी जी कहाँ से आई हैं? I came from Hyderabad. Basically, I'm a native of Allahabad. Oh, fantastic. हैदराबाद से कश्मीर आए हैं. So, how are you feeling here? I must say, if you're born as a human being and you haven't visited Kashmir, it's a waste of life. So please visit Kashmir at least once in your life. Fantastic. So this is your first time in Kashmir? Yeah. So how personally you believe the people are really with the hospitality? My personal view is that people are so lovely, so nice here. I mean, so humble, so warm, and I love to be here every time whenever I get the chance to come Kashmir. So I hope you are you like the traveling. Aap kafi zyada nature lover bhi hongi. So how about the climate? How about the atmosphere here? धरती पे कहीं अगर स्वर्ग है तो वो यही है. That's what I want to say. This was your personal wish or this was your family wish to visit Kashmir? हम सब ये चाहते थे कि कश्मीर विजिट करें और यू नो लाइफ की जो हसल है, लाइक वी ऑल आर बिजी इन आर वर्क, सो गेटिंग अ लिटिल टाइम फॉर यू नो समथिंग नेचर, द फोलियज, द ग्रीनरी, द ब्यूटी, यू वोंट गेट इट इन अर्बन लाइफ. सो डेफिनेटली कश्मीर इज अ बून फॉर ऑल ऑफ अस. Fantastic. Now very important part which I'm going to discuss with you. You're wearing a mask, even I'm wearing the mask. So the COVID is still on. So what you observe from the starting point, you believe that people have their proper, you know, government is doing fantastic job, testing facility hai, vaccination report, and wo kafi zyada important hai when you enter the garden. मैं एक बात बोलूंगी कि यहाँ पर लोग काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हैं. इवन वाइल एंट्री एंड वेन एवर वी यू नो विजिटेड इन एनी पार्क, दे हैव आस्क्ड फॉर द कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट, दे हैव चेक्ड आवर RT-PCR रिपोर्ट वेदर इट्स नेगेटिव और नॉट, एंड इवन दे आर कीप ऑन आस्किंग प्लीज वेयर योर मास्क. एंड आई थिंक पीपल आर वेरी मच अवेयर अबाउट दिस बेसिक थिंग्स एंड दे आर डूइंग दिस. सो आई एम वेरी हैप्पी. फैंटास्टिक. सो यू आर हैप्पी एंड यू विल बी ऑलवेज हैप्पी इंशाल्लाह. सो व्हाट विल बी योर striking message for a people like those who are not cooperating with the SOP guidelines, those who are taking very lightly, a very liberalism is seen for masks and for social distancing. What is your message on that? Main ek hi baat kehna chahungi, the government, the people, everybody is talking and you know telling about your benefit. It is your goodwill. I mean, agar aap ye follow karte hain the protocol, it is going to benefit you and your family. And if you are healthy, the country will be healthy and Kashmir will be healthy. Thank you. Chalte. आपका नाम? स्मिता. स्मिता जी कहाँ से आए हैं? हम बैंगलोर से आए हैं. बैंगलोर से आके यहाँ कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्यारी जगह है. तो कश्मीर कैसे डिसाइड किया आपने कश्मीर आना? वो हमारा थेरेपिस्ट है तो हमारे बच्चे को थेरेपी करती है, तो उसकी वजह से वो आ ही रही थी श्रीनगर में. यानी आपको मेहमान ने दावत दिया और आप आ गए. हम आ गए. यहाँ के लोग कैसे लगे आपको? बहुत ही अच्छे. दे आर वेरी गुड पीपल एट हार्ट और बहुत ही अच्छे हैं सभी बहुत अच्छे हैं. बैंगलोर में है ऐसा मौसम? ऐसा नहीं, लोग भी ऐसा नहीं है. अच्छा ये बताइए, अभी आप अंदर जब गार्डन में आए तो कैसा आपने देखा वहाँ पे, मतलब टेस्ट वगैरह पूछा जा रहा था? वैक्सीनेशन को पूछा जा रहा था और हमने कहा एक डोज ले लिया है, अभी बाकी दो डोज है.
इस महीने है। तो कितना ज़रूरी है मास्क पहन के चलना, वैक्सीनेशन करना, और तब जाके अगर आप घूमने निकलते हैं तो आपको लगता है कि सेफर साइड है? सेफर साइड है या क्योंकि बच्चे को लेकर आते हैं ना, तो उनको पूछना मुझे अच्छा लगा कि चलो कुछ पूछ रहे, क्योंकि हम भी नहीं जानते ना कुछ भी कोरोना है या नहीं, कुछ भी नहीं जानते। लगा कि गवर्नमेंट ने अच्छा स्टेप उठाया है, गार्डन में अगर आप एंट्री करते हैं तो ऐसा तो, सेफ्टी बहुत ही है यहाँ पे। बैंगलोर में भी ऐसा ही है, बहुत ही स्ट्रिक्ट है। ये चाहूंगा कि कितना कोऑपरेट कर रहे हैं लोग, कि कोऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इस चीज के साथ? नहीं, बहुत ही कोऑपरेट कर रहे हैं सब लोग। यहाँ पर मास्क लगा रहे हैं, वहाँ पे भी लगा रहे हैं, बैंगलोर में भी बहुत स्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पर भी बहुत ही बहुत लोग ऐसे हैं कि सेफ है। तो वैक्सीनेशन अभी आपका हो गया है, तो एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक आपको पूरा होटल में जब आप पहुँचे वहाँ पर भी ये सारी चीजें पूछी गई या आपको? होटल में नहीं पूछा था, एयरपोर्ट में पूछा था, टेस्ट कराया एयरपोर्ट में, यहाँ पार्क में भी पूछा, बस दो जगह। एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे, अगर लोग घूमने के लिए आते हैं, कश्मीर आते हैं, गार्डन में घूमते हैं दाएं, कितना जरूरी है कि वो वैक्सीनेट करें और मास्क पहन के जाएं? या नहीं तो सारी लोगों को परेशानी हो जाएगी ना, बाकी लोगों को, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो पेशेंट्स होते हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है ना। तो आपको लगता है कि हम धीरे धीरे कोरोना से बाहर जा रहे हैं और अब हमारा लाइफ जो है स्मूथ हो रहा है? स्मूथ हो रहा है, लेकिन पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन अब तो सेफ है। तो व्हाट इज योर मैसेज फॉर पीपल, लाइक फॉर मास्क, फॉर सोशल डिस्टेंसिंग? या यू हैव टू मेंटेन डिस्टेंस बिकॉज फॉर योर हेल्थ, एंड मास्क तो पहनना ही पहनना है किसी भी हालत में। एक लास्ट क्वेश्चन, व्हाट सॉर्ट ऑफ मेमोरीज यू आर गोइंग टू टेक अलोंग विद यू, क्या क्या यादें लेकर जाओ? गॉड, वो गंडोला, गुलमार्ग, पहलगाम, ब्यूटीफुल, वो तो लाइक हेवन, इट्स अ पैराडाइज। या डेफिनेटली आई एम गोइंग टू शेयर विद माय फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग, इट्स वेरी ब्यूटीफुल रियली। यू आर सेफ हियर? या टू मच सेफ, वेरी मच सेफ। चलते चलते So all around people are enjoying again and now the life is back on track, क्योंकि पहले लॉकडाउन था तो सब बंद था, घर में बैठ के बोर हो गए थे सब लोग, मगर एहतियात भी बहुत ज़रूरी था। अब अनलॉक हो गया, धीरे धीरे गार्डन्स भी खुल गए, मगर SOPs का ख्याल रखना ज़रूरी है। इनसे पूछेंगे, आपका नाम? वेंकटेश। वेंकटेश, हाउ आर यू फीलिंग हियर? इट्स सभी बोलते हैं, हम बेंगलुरु से है, सभी बोलते थे कश्मीर एक बार देखना ना, एक बार देखना ना, ऐसा इधर आके हमको पता चला कि ये जन्नत है। सही बोल रहा हूँ मैं, ये जन्नत है। एक साइड से आपका ग्लैमरस लाइफ, मॉडर्न लाइफ वहाँ है, दूसरे साइड से आपको लगता है यहाँ पीसफुल है, सूदिंग लाइफ है? बहुत बहुत पीसफुल है। जब हमें बेंगलुरु में रहता था वो मैकेनिकल लाइफ बन चुके थे, इधर तो कश्मीर में जब भी हम एयरपोर्ट से गिरा इधर आए तो इट्स ए ऑसम वेदर, ब्यूटीफुल। हाउ पर्सनली यू बिलीव द पीपल आर वेरी कोऑपरेटिव एंड यू आर फीलिंग वेरी सेफ हियर? यस, वेरी सेफ। इवन आफ्टर वी कम टू द डिस्ट्रिक्ट एयरपोर्ट में, जो भी हम आए इधर पे, वो यासीन भैया मतलब ड्राइवर, जब भी मैं पहलगाम गए था होटल पे, सभी बहुत को बहुत क्या केयरफुल करते हैं, हमारे को कैसे आराम है ऐसा पूछते हैं हमको बहुत। क्या आपको लगता है कि बाहर कुछ अलग र्यूमर्स जाता है जिसकी वजह से टूरिस्ट नहीं आता है कश्मीर? सही बात बोला आपने, हमको भी, हम सभी जगह पर दुबई गए थे, मालदीव गए थे, इधर आने का हमको मन नहीं कर रहा था, क्योंकि सभी बोलते थे वो सेफ नहीं है, ऐसे सभी बोलते थे। इसलिए जब हमें, हमारा फ्रेंड है इधर है, वो बोल रहा था नहीं 100% यू हैव टू कम इधर, इधर आए तो वो कुछ भी नहीं है, वो सब हमको, मैं सबको बोल दूंगा कि ब्यूटीफुल प्लेस है, यू हैव टू कम विजिट वंस। चलिए अभी आप गेट से अंदर आए तो क्या देखा आपने पहले? वो फाउंटेन था ना, सब फाउंटेन था, और मास्क दे आर टेलिंग अबाउट द मास्क, दे आर वेरी मच केयर अबाउट द मास्क, दे आर टेलिंग विदाउट मास्क नो एंट्री। यस यस यस, किया सब कुछ, किया केयरफुल सब किया है। एक साइड से टेस्टिंग फैसिलिटी, दूसरे साइड से वैक्सीनेशन, यू बिलीव अभी बहुत इंपॉर्टेंट है और तभी हमारा लाइफ जो है दूसरों के लिए सेफ रह सकता है? सही बात बोला, क्योंकि ये तो विजिटिंग का सिर्फ, मैं सिर्फ इधर ही नहीं बोल रहा हूँ, सबका तो सेफ्टी होना जरूरी है, क्योंकि बहुत बच्चे लोग आते हैं इधर पे, उसका सेफ्टी करने की वजह ऐसा करना पड़ेगा। अच्छा, एक साइड से गार्डन है, दूसरे साइड से आपने देखा कि अदर साइड ऑफ द स्टोरी, लाइक बाहर का वातावरण, आपको लगता है कि कश्मीर में लोग फॉलो कर रहे हैं SOPs को और यहाँ कोरोना का ज़्यादा खतरा नहीं है? कोरोना से ज़्यादा कुछ खतरा नहीं है इधर पर, इधर बहुत फुल सेफ है, सभी आराम से रहे इधर। व्हाट सॉर्ट ऑफ मेजर इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू बी टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट्स एंड, आपको लगता है कि और कश्मीर को, जितनी भी यहाँ पे खूबसूरत जगह जगह जो आपने देखा, क्या और करने की ज़रूरत है यहाँ पे? बहुत बहुत करने का है, क्योंकि ये सभी मैं बोल रहा हूँ ना, ये दिस इज़ द ब्यूटीफुल प्लेस, उससे ज़्यादा गवर्नमेंट्स कुछ करना ही पड़ेगा इसको, ज़्यादा खूबसूरती करने के लिए है, तो कुछ खूबसूरत है बट गवर्नमेंट के हिसाब से कुछ करना पड़, मैं यानी आपको लगता है कि रोड्स को
एग्जैक्टली हम गए थे ना पहलगाम और श्रीनगर के बाद जो पहलगाम और गुलमर्ग में रोड सब कुछ खराब हो चुका है, वो अभी कर रहे हैं क्योंकि बहुत लोग इधर से बहुत दूर से आते हैं। मेन प्रॉब्लम है रोड जाना आना जाना, तो रोड बहुत क्लियर करना पड़ेगा। बिलीव दैट टूरिज्म को एक अच्छा खासा बढ़ोतरी मिलेगा अगर रोड्स मेंटेन होंगे। 100% सिर्फ रोड ही नहीं, सिर्फ रोड है बाजू उसके वजह से हमें बहुत कुछ अच्छा मिल रहा है, बट ट्रांसपोर्टेशन मेन थिंग नो, उसको अच्छा से करना पड़ेगा। सही बात, फॉर बैंगलोरियंस एंड इंडियंस या अब्रॉड जो लोग देख रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ ना जो भी वो क्या बोल रहे हैं कश्मीर ऐसा है जम्मू ऐसा है, वो कुछ भी नहीं है। मैं सच में बोल रहा हूँ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर इज जन्नत, यू कॉन्ट नेवर सी एनी इन माई इन योर लाइफ, सो प्लीज विजिट वंस जम्मू एंड कश्मीर, आई लव जम्मू एंड कश्मीर। चलते चलते चलिए जी, हमारे साथ एक दोस्त है जो बाहर से आई है, आपका वेलकम है कश्मीर में। पहले बताइए यहाँ का मौसम कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। This is your first visit या इससे पहले आप कभी आए हैं? First visit. कैसे plan हुआ? Randomly, एकदम बैठे-बैठे randomly plan बन गया श्रीनगर आने का। श्रीनगर आने का, और कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली। दिल्ली में कैसा मौसम है? थोड़ी बहुत गर्मी है मतलब, बट यहाँ का व्यू ज्यादा अच्छा है। अच्छा, ये आपसे जानना चाहेंगे, अभी आप आ रहे थे जब आपने गार्डन को एंटर किया तो क्या देखा आपने मेन गेट पर? कोरोना टेस्ट, टेस्टिंग, तो आपको पूछा गया? हाँ, हम तो वैक्सीनेटेड है। अच्छा, तो हमारी वैक्सीनेशन हो रखी है और हमने कोविड टेस्ट भी करवा लिया श्रीनगर एयरपोर्ट। तो वैक्सीनेशन रिपोर्ट आपने दिखाई? यस। उसके बाद आपको लगा कि एंट्री मिली? हाँ। तो हाउ पर्सनली साहिब, यू बिलीव इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू नो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर्स, इन चीजों का बड़ा ख्याल रखना? सोशल डिस्टेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी तो कोविड कम होगा, तब अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे तो। गार्डन में आपको लग रहा है कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज हो रही है, लोगों ने मास्क पहना है? हाँ, पहना हुआ है, बट फोटो खिंचवाने के लिए तो हर कोई मास्क नीचे ही करेगा, ऑब्वियसली बात है। ओके, तो ये बताइए, जानना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि थर्ड वेव जो है इससे कंट्रोल हो सकती है, क्योंकि पहले सेकेंड वेव या फर्स्ट वेव में हम इतने ज्यादा मास्क लगा के रखेंगे तो थर्ड वेव ऑब्वियसली बात है कंट्रोल होगी, तो That's it. So how about the people like from Kashmir? Like, do you believe the best hospitality, mehman nawaz, अच्छे लगे आपको? अभी तक तो ठीक लगा, आगे बाकी के 4 days में देखते हैं। कितने days का tour है आपका? 5 days. 5 days. कोई ऐसी खास जगह जो कश्मीर में आप देखना चाहते थे? पहलगाम, सोनमार्ग, गुलमार्ग, ये सब जगह हम आगे रखेंगे। Your friends are watching in Delhi. So what is your message for them? Hello everyone. हम कश्मीर में घूम रहे हैं। तो आप भी कश्मीर आइए। आपको भी आना चाहिए। चलते चलते। So we have one more friend. Let's have a word with him. Sir, hi. What's your name? My name is Tanmay. Tanmay, you're from? Hyderabad. Sir, how are you feeling in Kashmir, especially such beautiful surroundings? हम लोग हर साल कहीं ना कहीं ट्रेवल करते हैं, लास्ट 2 years से जा नहीं पा रहे थे, तो इस साल हमने कश्मीर प्रायोरिटी में लिया एंड बहुत चीज़ अभी देखने को आज तो पहला दिन है, तो श्रीनगर इज समथिंग लाइक मस्ट विजिट एवरी टाइम। या हर साल आप घूमने फिरने जाते होंगे, डिफरेंट कंट्रीज देखते होंगे, डिफरेंट स्टेट्स देखते होंगे, लोग देखते होंगे, कश्मीर आके क्या फील किया? अपनापन, क्योंकि मैं भी लखनऊ से हूँ ओरिजिनली, सो नवाबों का शहर, सो जब मैं यहाँ पे एक गार्डन में गया, सबने आके फोटो खिंचवाई, तो ये हर जगह नहीं मिलता, तो कश्मीर इज कश्मीर। कोविड के साथ साथ कश्मीर की गाइडलाइंस और कोविड की गाइडलाइंस आपको लगता है फ्रॉम द एंट्री पॉइंट टू एग्जिट पॉइंट गार्डन्स में फॉलो की जा रही है? जी हाँ जी, ये चीज़ हमें जान के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम ज़रा साउथ से आए हैं अभी और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रूल्स स्ट्रिक्टली हैं हर जगह। यहाँ पे वैसे मैंने आउट बाहर आया एयरपोर्ट से, तब ये था कि इतना रूल्स मेंटेन नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ देख रहा हूँ कि वहाँ पे कहा गया है कि आप मेंटेन करें एंड लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यूज्ड टू हैं तो हम लोग कर रहे हैं, हमें अच्छा भी लग रहा है। सर, लास्ट टाइम बड़ी एक छोटी सी लापरवाही हुई थी, लोगों ने लाइटली लिया था कोविड को और बहुत मुश्किल में आ गए थे, अभी फिर से कोविड से हम बाहर आ रहे हैं, क्या करने की ज़रूरत है? सुरक्षा अपने हाथ में है, अपने हाथ में ये है। कोविड ने बहुत चीज़ें अनफॉर्चुनेटली लॉसेस हुए हैं, लेकिन सिखाया भी है लोगों को कि सफाई रखें, और ये चीज़ हम लोग सीखते आ रहे हैं, देखते भी आ रहे हैं विदेशों, क्योंकि हम जाते रहते थे तो लोग मास्क पहनते थे, हम लोग सोचते क्यों पहनते हैं, लेकिन अब लग रहा है क्यों पहना जाता है, सेफ्टी अपने हाथ में है, तो इट्स गुड। चलते चलते हमारे साथ टूरिस्ट है जो कि बाहर से आए हैं, आपका नाम? संजय कुमार। संजय जी कहाँ से आए? दिल्ली, न्यू दिल्ली। संजय जी दिल्ली से आए हैं कश्मीर, अभी आप मुगल गार्डन पहुंचे। हाँ जी। मेन गेट पर
कैसी सिचुएशन आपने देखी, क्या कुछ? कोविड टेस्ट का सब कुछ पूछ रहे थे, कोविड टेस्ट भी कर रहे थे, लेकिन हमारी तो वैक्सीनेशन थी, हमारे से मांगा वैक्सीनेशन, वो दिखाई हमने, बस इतना ही हुआ हमारे साथ। चलिए, कि आपको लगा कि गेट पर ये चीजें पूछी जा रही है, जरूरी। अच्छा सर, कितना इम्पोर्टेंट है SOPs को ख्याल में रखते, नजर में रखते हुए SOPs पर पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क? बिल्कुल मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, सब कुछ क्लियर, सब कुछ, तभी तो कोविड कम होगा। चलिए फैंटास्टिक। आप दिल्ली से कश्मीर आए, एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक कैसा प्रोसीजर रहा? मेरी वहाँ पे भी कोविड टेस्ट हुआ है, वैक्सीनेशन दिखाने के बाद भी उन्होंने कोविड टेस्ट किया हमारा, सब कुछ उन्होंने बकायदा फ़ोन नंबर वगैरह लिया यहाँ का लोकल मेरा, जो मैं सिम लेके आया था, सब कुछ किया उन्होंने। चलिए सर, दिल्ली से लेकर कश्मीर की बात करें तो आपको लगता है सर यहाँ पर मौसम भी सुहाना है, लोग भी अच्छे हैं? अच्छे लोग हैं सब, आदमी अच्छे होना चाहिए, लोग तो अपना भी अच्छे होंगे, सामने वाला अच्छा होना चाहिए, सब अच्छा है, हम गलत होंगे तो सारे गलत होंगे। क्या क्या पाया आपने यहाँ पर, क्या क्या ऑब्जर्व? पहले ही आया हूँ, पहले ही पॉइंट पे घूमने आया हूँ मैं तो, चार दिन का टूर है मेरा, पहले पॉइंट पे आया हूँ मैं। शालीमार बाग के बारे में कुछ सुना है आपने? मैं अभी फर्स्ट मुगल गार्डन पे ही आया हूँ अभी, होटल से पहले फर्स्ट यहीं आया हूँ मैं। मौसम कैसा लगा? मौसम बढ़िया है दिल्ली से। तो क्या मैसेज देंगे दिल्ली वालों को या देशवासियों को कश्मीर के लिए? कश्मीर बहुत अच्छी जगह है, जन्नत है कश्मीर, यही क्या, यही देंगे हम तो संदेश, ये कहेंगे अगर आप आ रहे हैं तो SOPs का ख्याल रखें। सही बात है, चलते चलते। चलिए जी, हमारे साथ मेहमान हैं जो कि गुजरात से आए हैं, आपका नाम सर जानना चाहिए। मेरा नाम है दिनेश कारिया। दिनेश जी, आप आए हैं गुजरात से, कश्मीर आके कैसा लग रहा है आपको, और आपको लग रहा है कि लोग SOPs को यहाँ गार्डन में फॉलो कर रहे हैं और कोविड का बड़ा ख्याल रखना है, मास्क ज़रूरी पहनना है? नहीं, वो तो लग रहा है, यहाँ हमें भी RT-PCR तो हम करके आए हैं और दो डोज भी हमने वैक्सीन के लिए है, तो हम तो वहाँ भी चेक हो रहा है, यहाँ भी, अच्छी बात है। तो दीदी, आपसे जानना चाहेंगे क्या गेट पे आपसे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या टेस्ट के मांगा? हमने दो वैक्सीन ले लिया है, हमारे दोनों डोज ले लिए, उनका सर्टिफिकेट मांगा उन्होंने, उसके बाद ही एंट्री हुआ है हमारा। इतना ज़रूरी है, मतलब वैक्सीनेशन भी करना है और दो गज दूरी भी रखना है, मास्क भी पहनना है? ये ज़रूरी है, हमारी सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है, ये रखना ही चाहिए हमें। सर, एयरपोर्ट से लेकर अभी तक अगर देखेंगे या गुजरात से लेकर आप कश्मीर आए, आपको लगता है सर प्रॉपर प्रोसीजर से काम हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छा है। मैं 28 तारीख से यहाँ हूँ, 5 दिन हुए मेरे को, कल मेरे को जम्मू जाना है, तो मैं अभी 5 दिन घुमा हूँ, मुझे कोई यहाँ प्रॉब्लम भी, वैसे यहाँ कोरोना कम है मुझे मेरी जानकारी के हिसाब से, लेकिन फिर भी इतना दो डोज और ऊपर से 72 वर्ष के पहले का RT-PCR, ये दोनों बात यहाँ के लिए बहुत सेफ साइड है। एक साइड से हम बात कर रहे थे कोविड की, दूसरी साइड से आपसे माहौल जानेंगे, कश्मीर का माहौल, गार्डन्स, लोग कैसे लगे आपको? बहुत अच्छा लगा, ये बोल रहे हैं यहाँ का हमारा स्वर्ग है, तो सही बात है। पैसा पाया, बहुत अच्छा लगा, हम लोग यहाँ बहुत एंजॉय किया। सर, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लोग गार्डन में घूम रहे हैं, आपको लगता है कि यहाँ पर थोड़ा SOPs का ख्याल रखा जा रहा है या लापरवाही भी है? थोड़ी सी दिख रही है, कहीं कहीं मैं देख रहा हूँ मास्क, मैं भी कभी कभी नीचे उतार लेता हूँ जैसे फ्रेश एयर लेने के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ ठीक है माहौल, ऐसा नहीं लग रहा है कि इतनी लापरवाही है, थोड़ा बहुत तो कहीं भी आप जाइए, इतना नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी हमारे इंडिया में अच्छा है। गार्डन को क्या अच्छे से मेंटेन किया गया है? बहुत अच्छे से, सभी जगह पे बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है। गुजराती में चाहूंगा कि आप गुजराती में बोले, गुजराती को कश्मीर आए और गुजराती में बोलो। गुजराती लोगों तो कश्मीर बधाने, गुजराती सारू लागे छे, गुजराती लोगों ने तो कश्मीर आऊ, ए लोगो तो इच्छे छे के आवे, पण आवशे तो बहुत वधारे मजा आवशे, ने अत्यारना आ समय में ज्यारे बहु बरफ नथी, बहु ठंडी नथी, त्यारे आवु वधारे सारू लागशे। चलते चलते। वेल व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में आपने एक चीज जरूर मॉनिटर की होगी कि कश्मीर के साथ साथ अगर अनलॉक की बात करें, अनलॉक तो चल रहा है, मगर इस बीच COVID-19 पैंडेमिक इज स्टिल ऑन, बट अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि कोविड के केसेस में गिरावट है, क्योंकि वैक्सीनेशन के साथ साथ SOP गाइडलाइंस को लेकर काफी ज्यादा लोग फोकस्ड है। अब मुगल गार्डन्स की बात करें, नो डाउट अगर देखा जाए गुलमर्ग, पहलगाम या जो भी सोनमर्ग हिल स्टेशन पे लोग पिकनिक के लिए गए थे, मगर साथ साथ जबकि शहर श्रीनगर डल लेक के बीचों बीच जो मुगल गार्डन्स है, वहां पर SOPs पर कितना ज्यादा जोर दिया जा रहा है, यू नो मेन पॉइंट, यू नो एग्जिट पॉइंट से लेकर एंट्री पॉइंट तक आपने देखा कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की तरफ से काउंटर्स लगाए गए हैं, स्पेशली हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, वहां पे डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ वहां पर है, क्योंकि वहां टेस्टिंग हो रही है, कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पूछा जा रहा है, रैंडम टेस्टिंग भी बहुत हो रही है,
रही है, क्योंकि पिछली बारी जब हमने देखा ट्यूलिप गार्डन में जिस तरीके से लोगों का रश देखने को मिला, बाद में कह सकते हैं कि इस वेव को कंट्रोल करना मुश्किल था, मगर इस टाइम सरकार ने बेहतरीन इनिशिएटिव लिए हैं। अगर अनलॉक होगा तो SOP गाइडलाइंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंटली हमें फोकस रहना है। और वही हाल हमने आज के प्रोग्राम में भी देखा, गेट से लेकर पूरा गार्डन का हाल, यानी लोकल्स हो या फिर इसके साथ साथ टूरिस्ट अगर वो आ रहे हैं तो किस तरह से उनके साथ व्यवहार, खास तौर पर टेस्टिंग को लेकर, SOP गाइडलाइंस को लेकर पूछताछ हो रही है। और वो भी उनका भी मानना है कि ज़िंदगी की रफ्तार जो है अब आगे बढ़ानी है, खास तौर पर ज़िंदगी को चलाना है और साथ साथ में मास्क नहीं छोड़ना। ये मास्क मैंने इसलिए यहाँ पर निकाल दिया है क्योंकि मैं सेपरेट बात कर रहा हूँ। व्हेन आई वाज इंटरेक्टिंग टू एनी अदर पर्सन, तो आपने देखा कि उस वक्त मेरा मास्क लगा हुआ था। तो व्हेन एवर यू गो एनीवेयर, जिसके साथ भी आप बात कर रहे हैं, मास्क पहन के 2 गज दूरी रखिएगा। मेरे कैमरा पर्सन और मैंने भी 2 गज दूरी रखी है। तो फिलहाल हमें उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपने पसंद किया होगा, और साथ ही साथ अगर आप सैर व तफरी के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो प्लीज़ इन चीज़ों का खास ख्याल रखें। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, अगले प्रोग्राम में किसी और जगह पर हमारा कैमरा रहेगा फोकस। इजाज़त दीजिए सैयद इरफान फाजिल, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी, मेरे ऑनलाइन एडिटर साहिल भट्ट को। बने रहिए, देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। खुदा हाफिज़।